हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं ये जो पहली बार मैं हिंदी में ब्लॉग कर रहा हूँ, अभी मैं फ़िलहाल पहाड़ के ऊपर यहाँ पे बकरा चराने आया था और अब यहाँ पे मैं बैठा हूँ। बकरा को सब मैं अंदर भगा दिया, अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ। अब आवाज़ आते होंगे आपको ऊपर से, वहाँ तक मैंने भगा दिया। अब मैं नीचे की व्यू आपको मैं दिखाता हूँ कितना ऊपर मैं आया हूँ। ये देखिए, पहाड़ी पहाड़ रास्ते, यानी कि वहाँ से है रास्ते, वहाँ से मुझे नीचे जाना पड़ेगा। इस तरफ भी है पहाड़, यानी कि वहाँ से मैं नीचे जाऊँगा और इस साइड, इसके पीछे तो मेरा गांव है। बकरियों का आवाज़ आ रहा है। अभी ये सब धान के खेत में जाते हैं और वो धान खा जाते हैं ना, तो उनका पेट ख़राब हो जाता है और ये मर भी जाते हैं, इसलिए हमको इतना ऊपर भगाना पड़ता है। अभी बारिश का मौसम में क्या करते कि इस पहाड़ में ही रहते हैं सब बकरी, गांव जाते नहीं है। घर पे जितना आप भगाना चाहो तो जाते नहीं है। ऊपर एक बकरी रो रहा है, यानी कि नीचे उसका एक बच्चा खो गया, उसको छोड़ के आ गया। अब ये नीचे जाने का बहाना करेगा, वो तुरंत नीचे भाग के जाएगा। लगता है मुझे यहाँ पर बैठना ही पड़ेगा। जब हम छोटे थे तो इस इलाके में हम बहुत लकड़ी लेने आते थे, अभी तो सरकार ने बंद कर दिया पहाड़ आने के लिए। एक तरफ तो है बकरियाँ, दूसरी तरफ होते हैं ये छोटे छोटे बंदर, ये भी काफ़ी धान खा जाते हैं। यहाँ से तो बड़े कैमरा होता तो मैं जूम करके आपको दिखा था। उस साइड में कुछ बंदर दिख रहा है, ये देखो आ गया। ये उधर उधर चले गए, अब ये नीचे जाने का बहाना करेंगे। अब इनको सब भगाना पड़ेगा। चल, बहुत रोता है तू। इसके अंदर ही मैंने डाल दिया था उनको, फिर भी ये वापस आ गई। ये यहाँ से दो रास्ते हैं, कुछ और राइट साइड में चले गए और कुछ इस साइड में आ गए। उस नीचे वाले को गांव लेना पड़ेगा, घर लेना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ रोता रहेगा। और यहाँ से दूसरी बकरी ने आवाज़ दिया, देखते हैं वो जाते हैं। चल चल चल, जाओ वहाँ एंजॉय करो। तो अच्छा, मैं वहाँ बैठा था तभी इनको ऊपर भगा पाया। जाओ उस तरफ जाओ, तुम्हारे दोस्त लोग हैं, जाओ मिलो, खाओ कूदो, नीचे मत आओ अभी। ये होता है बकरियों का शैतानी। मैं लगभग एक साल के बाद पहाड़ चढ़ रहा हूँ और इतने ही चढ़ते ही
मुझे थकावा आ गया क्योंकि पहले से ज़्यादा पेट पेट आ गया। अभी बाहर जिम वगैरह भी करता नहीं हूँ तो चर्बी रखता ज़्यादा हो गया, थक जाते हैं। बहुत चिल्लाना पड़ता है बकरियों को भगाने में, ये गला सूख जाता है, फटने जैसा लगता है। डॉक्टर ने मना किया था ज़्यादा चिल्लाना नहीं, मुझे चिल्लाना ही पड़ता है तो क्या करूं। अब मैं नीचे की ओर जाता हूं, कहीं छाया देख के बैठ जाता हूं, थोड़ा बैठ के यहां से ही मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगा कहीं बैठते ही, क्योंकि यहां पे नेटवर्क अच्छा आता है पहाड़ के ऊपर, उधर जब घर जहां पे है वहां पे नेटवर्क बिल्कुल आता नहीं है, नेट चलता नहीं। कहीं अपलोड करना हो तो कुछ वीडियोस वगैरह देखना हो तो हम ठीक से नहीं देख पाते हैं। दोनों में एयरटेल और जियो दोनों सिम मैंने डाल रखा है, फिर भी नेट का प्रॉब्लम रहता है। अभी तो ठंडा, अभी तो थोड़ी ठंड मौसम है इसलिए मैं बाहर जाके भी नेट नहीं चला पा रहा हूँ। दूसरा जाता हूँ नीचे, देखिए मैंने कहा था ना इस साइड से मैं जाऊँगा, उस वक्त मैं यहाँ पे बैठा था और अब मैं यहाँ से नीचे की ओर जा रहा हूँ। आगे छाया है वहाँ पे बैठूँगा। वही एक मुसीबत की जड़ अंदर नीचे रह गया, ये रोता रहेगा, ये ऊपर वाले को भड़का के लाएगा, इसको पकड़ के कैसे भी करके उसको घर लेना है मुझे। तो चलिए इस ब्लॉग पे मैं यहाँ पे ही विदा लेता हूँ, फिर ऐसे ही मिलूँगा आपके सामने, कुछ ना कुछ ऐसे ब्लॉग्स दिखाते रहूँगा। ऐसे मेरा ब्लॉग्स है हिंदी में स्टार्ट कर दिया, पहले मैं संथाली में करता था, आज से कंटिन्यू में हिंदी में करता रहूँगा।